वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो शिक्षक भर्ती, दोनों में प्रश्नों के जवाब बरार, और ऐसे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 68,500 में 33 प्रश्नों के कई विकल्प मान्य, उसके आगे एक प्रश्न के 10 विकल्प सही थे, और वहीं अगर आप 69,000 को लेकर के बात करते हो तो 3 प्रश्न डिलीट। इतने ही सवालों के जवाब से अभ्यर्थी जो है असंतुष्ट हैं। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आज आपका परीक्षा परिणाम जो है वो जारी किया जाना है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर आप बात करते हो ऐसे में क्या कुछ उसके बारे में डिटेल है, यहाँ से तो आप इसे पढ़ ही पा रहे होंगे कि एक तरफ आपके शिक्षा मित्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लिए हैं, दूसरी तरफ PNP ने पूरी तैयारी कर ली है आज रिजल्ट को जारी करने की, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि जो भर्ती का परिणाम है वो मंगलवार को घोषित होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को प्रदेश भर में कराई गई थी। यहाँ पर इसका जो परीक्षा का परिणाम है वो बुधवार से वेबसाइट पर देख सकेंगे, मतलब जारी आज होगा। वेबसाइट पर जो अवेलेबिलिटी होगी वो बुधवार से यानी आने वाले कल से होगी। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया कि रिजल्ट के लिए परीक्षा समिति की बैठक मंगलवार दोपहर में बुलाई गई है, और ऐसे में 3 प्रश्नों के अंक के संबंध में अंक देने हैं या उन्हें डिलीट करना है, ये चीज़ का भी निर्णय होना बाकी है। बाकी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ पा रहे होंगे कि इन्होंने जो कट ऑफ को लेकर के क्या कुछ उस समय जो है जिक्र नहीं किया था, बाद में उन्होंने सामान्य 65 और आरक्षित को 60% अंक पर कट ऑफ को लेकर के बात की, और क्या कुछ मामला है वो आप यहाँ से पढ़ पा रहे होंगे। लिखा हुआ है इसमें परीक्षा संस्था ने अंतिम उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी है, जिसमें 3 सवालों का जो है उत्तर दर्ज नहीं है। तो इसी पर जो है फैसला क्या कुछ निकल करके आता है आज पता लग जाएगा। वीडियो में बस इतना ही, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। हम आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।